नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। छत्रपति संभाजी राजे ने आखिरकार आज औपचारिक रूप से ये ऐलान कर दिया है कि वो आगामी राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कृषि क्षेत्र में एक नई पहल सामने आई है, वो ये कि भातुकली तहसील के परलाम ग्राम में बीजों के संरक्षण के लिए महिला किसानों की कृषि शाला ली गई है। वहीं राज्य खुफिया विभाग से गोपनीय सूचना लीक होने से जुड़े मामलों की जांच अब कोलाबा पुलिस करेगी। पहले साइबर पुलिस इसकी जांच कर रही थी। इसी बीच राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जाहिर की है। तो उधर अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा कल 28 मई को नागपुर पहुंचेंगे, जहां से फिर अमरावती जाएंगे। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। छत्रपति संभाजी राजे ने आखिरकार आज औपचारिक रूप से यह ऐलान कर दिया है कि वो आगामी राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें किसी भी दल से समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आया। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उनका कहना है कि शिवसेना ने उनके साथ धोखा किया है। वो शिवसेना से राज्यसभा के लिए समर्थन चाहते थे, लेकिन शिवसेना ने उनके सामने पार्टी में शामिल होने की शर्त रख दी थी, जबकि संभाजी राजे निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। इसी बात पर आम सहमति न बन पाने की वजह से शिवसेना ने उन्हें समर्थन देने से अपरोक्ष रूप से इनकार कर दिया। शिवसेना के दो नेताओं संजय राउत और संजय पवार ने कल राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। हालांकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने संभाजी राजे को अपना समर्थन जरूर दिया है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक विधायक का संख्या बल है। छत्रपति संभाजी राजे ने कहा कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई द्वेष नहीं है, मुझे ये चुनाव निर्दलीय लड़ना था, लेकिन समर्थन न मिल पाने की वजह से ये संभव नहीं हो सकता है। हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा है, जिसके साथ मेरा जाना संभव नहीं है। मेरे लिए चुनाव से ज्यादा जनता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अब मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करूंगा। मेरे लिए महाराष्ट्र के 42 विधायक मेरी ताकत नहीं, बल्कि राज्य की जनता मेरी ताकत है। मुझे अब अपनी ताकत देखनी है, इसीलिए अपने संगठन को बढ़ाऊंगा और उसे मजबूत करूंगा। कल से ही पूरे महाराष्ट्र में दौरे की शुरुआत करूंगा। आमतौर पर खेती किसानी में पुरुषों पर मुख्य जिम्मेदारी होती है, महिला उनका हाथ बटाती है। बीजों के चयन से लेकर बाजार तक उत्पादन पहुंचाने की भूमिका वही अदा करते हैं, लेकिन एक नई पहल सामने आई है। खरीफ सत्र शुरू होने से पूर्व फसल नियोजन व प्रारूप तथा बीजों की अनुकरण क्षमता कैसे जांची जाए, इसके लिए भातकुली तहसील के परलाम ग्राम में कृषि शाला का आयोजन किया गया। ITC का मिशन सुनहरा कल व बायफ संस्था के संयुक्त तत्वावधान में महिला किसानों के लिए कृषि शाला ली गई। कृषि शाला में खरीफ सत्र में बीज अंकुरण क्षमता के बारे में जानकारी देते हुए प्रत्याशिक दिखाया गया। बुआई के लिए किसानों ने अपने घर में उपलब्ध बीज का इस्तेमाल करने का आह्वान किया। बायफ संस्था के अधिकारी तथा भातकुली के जिला कार्यक्रम अधिकारी तुषार नंदेश्वर, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजकुमार सोनवने ने विविध विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसान अपने घर भंडारण किए बीज का उपयोग करते हैं तो उत्पादन खर्च भी कम होगा। किसान BBF तकनीक का इस्तेमाल कर बुआई करे और बुआई से पूर्व बीज प्रक्रिया करे। पिछले 2 वर्ष के दौरान खरीदे गए प्रमाणित बीजों से उत्पादित सोयाबीन बीज का भी चालू वर्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि फफूंदी जन्य रोगों से फसल की सुरक्षा करने के लिए बीज प्रक्रिया जरूरी है। राइजोबियम व PSB जीवाणु संवर्धक की मात्रा प्रत्येक 200 से 250 ग्राम लेकर 10 से 15 किलो बीज बुआई से पूर्व 3 घंटे पहले बीज प्रक्रिया कर छांव में सुखाए और इसके बाद ही बुआई करे। इससे उत्पाद की गुणवत्ता पर फर्क पड़ेगा और प्रति एकड़ बेहतर उत्पादन लिया जा सकेगा। राज्य खुफिया विभाग से गोपनीय सूचना लीक होने से जुड़े मामले की जांच अब कोलाबा पुलिस करेगी। पहले साइबर पुलिस इसकी जांच कर रही थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने इसके निर्देश दिए हैं। हालांकि इसकी वजह साफ नहीं है कि जांच के आखिरी चरण में ऐसा क्यों किया गया। मामले की जांच इंस्पेक्टर संजय मोहिते ही करेंगे, जिन्होंने इससे पहले रश्मि शुक्ला से जुड़े फोन टैपिंग मामले की छानबीन के बाद आरोप पत्र दाखिल किया है। अब तक मामले की जांच कर रही साइबर सेल पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खुफिया विभाग की तत्कालीन प्रमुख रश्मि शुक्ला समेत 25 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। पिछले साल मार्च महीने में साइबर सेल ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गोपनीयता कानून के तहत FIR दर्ज की थी। दरअसल विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि राज्य में मलाईदार पोस्टिंग के लिए IPS अधिकारी महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं से लॉबिंग कर रहे हैं। फडणवीस ने दावा किया था कि उनके पास 6.3 DB डेटा है, जिसमें तत्कालीन SID प्रमुख रश्मि शुक्ला द्वारा की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग है। राज्य सरकार ने तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को इस बात की जांच के निर्देश दिए थे। गोपनीय जानकारी कैसे लीक हुई,
इसके बाद इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं कुंटे ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि शुक्ला ने उच्च अधिकारियों को गुमराह कर फोन टैपिंग की मंजूरी ली थी। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में आरोपी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जाहिर की है। कोर्ट में 30 मई को वाजे के आवेदन पर सुनवाई होगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब वाजे ने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जाहिर की है। वाजे ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने भी सरकारी गवाह बनने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु विशेष अदालत ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाजे की सक्रिय सहभागिता नजर आ रही है। बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जांच शुरू की थी। जांच के बाद सीबीआई ने देशमुख व वाजे सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। देशमुख भी इस मामले में जेल में बंद है। वाजे के सरकारी गवाह बनने से देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि आवेदन में वाजे ने कहा है कि सरकारी गवाह बनना चाहता है, लेकिन उसके बाद बदले उस मामले में क्षमा दी जाए। वाजे फिलहाल भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। वाजे को पहले उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक लदी कार मिलने के मामले में गिरफ्तार किया था, तब से वो जेल में है। राजद्रोह के आरोप में मुंबई में गिरफ्तार होने के बाद पहली बार अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा कल 28 मई को नागपुर पहुंचेंगे, जहां से फिर अमरावती जाएंगे। शहर पहुंचने पर उनका स्वागत करने के लिए नागपुर में शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। दंपति शनिवार को 150 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के दौरान रास्ते में विभिन्न स्थानों पर धूमधाम और अभिवादन के बीच नागपुर से अमरावती जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र की यात्रा करेंगे। दो सप्ताह से अधिक समय तक राजधानी में रहने के बाद राणा दंपति शनिवार दोपहर दिल्ली से नागपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। उनके युवा स्वाभिमानी पक्ष ने हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत करने की योजना बनाई है। राणा दंपति आगमन के तुरंत बाद नागपुर के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल होंगे। वहां से वे सड़क मार्ग से अमरावती के लिए प्रस्थान करेंगे। निर्वाचन क्षेत्र में भव्य समारोह के बीच विभिन्न चौकों पर उनका स्वागत किया जाएगा। नवनीत राणा के नेतृत्व वाले युवा स्वाभिमानी पक्ष के एक नेता ने कहा कि हमें नागपुर के एक मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ की अनुमति मिली है। इसके बाद दंपति तुरंत अमरावती के लिए रवाना हो जाएंगे। अमरावती के कम से कम 4 चौकों पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। मुंबई और दिल्ली में किए गए आंदोलन के बाद निर्वाचन क्षेत्र के लोग अपने नेताओं को निर्वाचन क्षेत्र में वापस देखने के लिए उत्सुक है। अब एक नया बखेड़ा सामने आया है। हिंदुवादी संगठन महाराणा प्रताप सेना ने दावा किया है कि अजमेर का चिश्ती दरगाह पहले मंदिर था, तो गुजरात में बीते 8 सालों से पेड़ से बंधे एक युवक को नई जिंदगी मिलने वाली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अत्यंत भावुक ट्वीट में लिखा है कि जब मैं दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ले रहा था, तब लता दीदी के बारे में सोच रहा था। उस वक्त एहसास हुआ कि अब मैं राखी से गरीब हो गया हूँ। अब मेरे पास एक राखी की कमी हो गई है। इसी बीच देशभर में जारी मंदिर मस्जिद विवाद के बीच अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी कूद पड़ा है। पीएफआई ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि वो मंदिर मस्जिद विवाद का विरोध करे और एकजुट हो जाए। तो उधर भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री के हिंदी उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सेंट को इस साल का बुकर पुरस्कार मिला है। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। हिंदुवादी संगठन महाराणा प्रताप सेना ने दावा किया है कि अजमेर का चिश्ती दरगाह पहले मंदिर था। इस सेना ने हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से सर्वे कराने की मांग की है। महाराणा प्रताप सेना के राजवर्धन सिंह परमार का कहना है कि दरगाह की दीवारों और खिड़कियों में हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह है। वहीं दरगाह की खादिमों की कमेटी ने दावे को खारिज करते हुए कहा कि वहाँ इस तरह का कोई चिन्ह नहीं है। खादिम कमेटी अंजुमन सैयद जादगान के अध्यक्ष मोइन चिश्ती ने कहा कि दावा निराधार है, क्योंकि दरगाह में इस तरह के चिन्ह नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम के करोड़ों लोग दरगाह में आते हैं। यह दरगाह 850 वर्षों से है। इस तरह का कोई प्रश्न आज तक उठा ही नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सवाल उठाने का मतलब उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना है जो अपने अपने धर्म को मानने वाले हैं और यहाँ आते हैं। चिश्ती ने कहा कि ऐसे सभी तत्वों का जवाब देना सरकार का काम है। कमेटी के सचिव वाहिद हुसैन चिश्ती ने कहा कि यह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। अंजुमन अध्यक्ष मोइन सरकार ने कहा कि गरीब नवाज की दरगाह धर्म और जात के बंधन से परे हटकर सर्वधर्म सद्भाव की प्रतीक है। यहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू अपनी मुरादें लेकर जियारत के लिए आते हैं। इस तरह के बयान जारी कर आस्था पर ठेस पहुँचाई जा रही है। अंजुमन सचिव वाहिद हुसैन अंगारा ने कहा कि ऐसे झूठे दावे कर गंगा जमुना संस्कृति को बिगाड़ने और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
गुजरात के राजकोट जिले के बोटाद तालुका में एक 22 साल का युवक महेश बीते 8 सालों से एक पेड़ से बंधे हुए अपना जीवन जी रहा है। हालांकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के प्रयासों की बदौलत महेश को जल्द ही राहत मिलने वाली है। दरअसल 22 साल के महेश का व्यवहार 8 साल पहले अचानक उग्र हो गया। उसने दूसरों के हिंसक व्यवहार करना शुरू किया, हर किसी को मारना, उस पर पत्थर फेंकना उसकी आदत में शुमार हो गया। ऐसे में गरीबी से त्रस्त झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले महेश के परिवार ने उसको नग्न अवस्था में पेड़ से बांध दिया। महेश के पिता प्रागजी ओलकिया ने बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, इसके चलते वह हिंसक हो जाता है। ऐसे में अगर कोई उसके पास जाता है तो वह पथराव शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि हम बहुत गरीब है और उसके इलाज या उसे कहीं भी रखने के लिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, इसलिए हमने उसे एक पेड़ से जंजीर से बांधकर रखा है। खजू भाई के नाम से मशहूर सोशल मीडिया कॉमेडियन नितिन जानी को हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस परिवार के बारे में एक मैसेज मिला और वह उनसे मिलने गए। जानी इससे पहले पिछले साल के चक्रवात के बाद सामाजिक कार्यों में लगे थे और उन्होंने कई तबाह परिवारों की मदद की थी। जानी ने कहा कि हमने गाँव के बाहरी इलाके में परिवार के लिए एक घर बनाया है, हमने वहाँ बिजली और पंखे भी लगा दिए हैं। महेश को खाना पीना भी दिया है, वह मौजूदा समय में भी हिंसक है। अब उसे इलाज के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने के लिए परिवार भी रजामंद हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसमें उन्हें 1,00,000 रुपए का कैश बतौर अवार्ड मिला था, लेकिन पीएम मोदी ने इसे पीएम केयर्स फंड में डोनेट करने का फैसला किया। इसके बाद लता मंगेशकर के भाई और संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर ने इस राशि को पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर दिया। लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। जनवरी 2022 में कोविड होने के बाद से ही उनकी सेहत गिरती चली गई थी। वह करीब 1 महीने तक अस्पताल में थी और वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लता मंगेशकर के साथ गहरा रिश्ता था। लता जी पीएम मोदी को भाई मानती थी और हर रक्षाबंधन पर राखी भी बांधती थी। पीएम मोदी भी लता मंगेशकर को हर जन्मदिन पर बधाई देते थे। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड लेते वक्त पीएम नरेंद्र मोदी को लता जी की कमी बहुत खली। उन्होंने लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर को एक पत्र लिखा जिसमें अपने दिल का दर्द बयां किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के लिए मैं मंगेशकर फैमिली का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पिछले महीने मुंबई में अवार्ड सेरेमनी के दौरान मेरे प्रति जो प्यार दिखाया गया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब अवार्ड ले रहा था तो तब लता दीदी के बारे में सोच रहा था। उस वक्त एहसास हुआ कि मैं अब एक राखी से गरीब हो गया, अब मेरे पास एक राखी की कमी हो गई। यह सोचकर गहरा धक्का लगा कि अब मेरी सेहत के बारे में पूछने के लिए, मेरा हालचाल लेने के लिए या ढेर सारे विषयों पर बात करने के लिए मुझे अब कोई फोन नहीं आएगा। देश में जारी मंदिर मस्जिद विवाद के बीच अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी कूद पड़ा है। पीएफआई वो संगठन है जिसको लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं। पीएफआई ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि वो मंदिर मस्जिद विवाद का विरोध करे। पीएफआई ने मुसलमानों से एकजुट होने को कहा है। संगठन ने इसको लेकर बकायदा एक पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की 23 और 24 मई को पुथनथानी में हुई। इसमें प्रस्ताव पारित करके देश की जनता से अपील की गई है वो मुसलमानों की मस्जिदों और पूजा स्थलों के खिलाफ जारी कार्यवाही का विरोध करे। बैठक में ये भी कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाहिद गाह मस्जिद के खिलाफ संघ परिवार के संगठनों की हालिया याचिकाएं पूजा स्थल अधिनियम 1991 के सरासर खिलाफ है। अदालतों को इन्हें मंजूर नहीं करना चाहिए था। अदालतों ने इस प्रकार के दावों को तथ्यों और सबूतों के आधार पर परखने की जरूरत भी महसूस नहीं की। इससे ये प्रभाव पड़ सकता है कि देश में कोई भी कहीं भी किसी भी पूजा स्थल के बारे में ऐसे दावे कर सकता है। बता दें कि पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। इस संगठन का दावा है कि इससे पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने के लिए बनाया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन 17 फरवरी 2007 को केरल में किया गया था। इस संगठन की जड़ें केरल के कालीकट में बहुत गहरी है। वर्तमान में इसका हेड ऑफिस दिल्ली के शाहीन बाग में बताया जाता है। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री के हिंदी उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सेंट को इस साल का बुकर पुरस्कार मिला है। अमेरिकन राइटर पेंटर डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सेंट के नाम से इस उपन्यास का इंग्लिश में अनुवाद किया। ये उपन्यास दुनिया की उन 13 पुस्तकों में शामिल था जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की लिस्ट में शामिल किया गया था। टॉम्ब ऑफ सेंट बुकर जीतने वाली हिंदी भाषा की पहली किताब है, साथ ही किसी भी भारतीय भाषा में अवार्ड जीतने वाली पहली किताब भी है। इस पुरस्कार को जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की गीतांजलि श्री ने कहा है कि वो काफी खुश है।
खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने बुकर का सपना कभी नहीं देखा था। मैं चकित हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। गीतांजलि श्री अब तक 3 उपन्यास और कथा संग्रह लिख चुकी है। उनके उपन्यास और कथा संग्रह को अंग्रेजी, जर्मन, सर्बियन, फ्रेंच और कोरियन भाषाओं में अनुवाद हुआ है। डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित इस उपन्यास की मुख्य किरदार 80 वर्षीय एक महिला है। दोनों को इस पुरस्कार के लिए 50,000 पाउंड की राशि दी गई है, जो दोनों में समान रूप से बटेगी। गीतांजलि जहां नई दिल्ली में रहती है, तो रॉकवेल वर्मोंट में रहती है। इस पुस्तक के साथ दुनिया भर की 13 पुस्तकें इस पुरस्कार के लिए रेस में थी। इस उपन्यास में 80 वर्षीय बुजुर्ग विधवा की कहानी है, जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद अपने पति को खो देती है। इसके बाद वो गहरे अवसाद में चली जाती है। काफी जद्दोजहद के बाद वो अपने अवसाद पर काबू पाती है और विभाजन के दौरान पीछे छूटे अतीत का सामना करने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला करती है। अमेरिका में उपन्यासकार को अपने पति की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मित्र रमजान कादिरोव ने खुलासा किया है कि यूक्रेन के बाद अब पोलैंड का नंबर है। वहीं अब ये तय हो गया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क राज्य की दीवानी जांच में अपने व्यावसायिक व्यवहार के बारे में शपथ के तहत सवालों का जवाब देना होगा। इसी बीच सिंगापुर में लोग अब नाली के पानी से बनी बियर का लुफ्त उठा रहे हैं, तो उधर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट को तबाह करने के लिए चीन नई क्षमता विकसित कर रहा है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अमेरिका में एक उपन्यासकार को अपने पति की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस महिला ने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड, यानी कि अपने पति की हत्या कैसे करें। पति की हत्या करने वाली इस उपन्यासकार का नाम नैन्सी ब्रॉफी है। नैन्सी को 13 जून अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी। नैन्सी की उम्र 71 साल है। 2 जून 2018 को डैनियल ब्रॉफी की हत्या कर दी गई थी। ओरेगन इंस्टीट्यूट में उसे गोली मार दी गई थी जहां वह बच्चों को खाना बनाना सिखाता था। ताज्जुब की बात यह है कि तब किसी ने भी ये नहीं सोचा कि नैन्सी ने ही अपनी पति की हत्या की है। इस घटना के 3 महीने बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इससे पहले 2011 में उसने एक ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था अपने पति को कैसे मारे। पुलिस ने पाया कि इस ब्लॉग के कंटेंट डैनियल की हत्या से मेल खा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि नैन्सी ने अपने पति डैनियल ब्रॉफी को 2 बार गोली मारी थी। एक सीसीटीवी फुटेज में नैन्सी को हत्या से आधे घंटे पहले स्कूल के पास देखा गया था। हालांकि इस बारे में नैन्सी ने कहा कि मेरा वहां होना एक सहयोग था। अभियोजन पक्ष के वकील का दावा है कि यह सब नैन्सी ने इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए किया। पति के मरने पर उसे 11 करोड़ रुपये मिलते। पति की हत्या से पहले नैन्सी ने बंदूक के अलग अलग टुकड़े जमा किए थे। हालांकि पुलिस को वह बंदूक कभी नहीं मिली जिससे उसकी हत्या की गई थी। बहरहाल ज्यूरी के फैसले के बाद नैन्सी ने कहा कि उनके पास अपने पति की हत्या करने की कोई भी वजह नहीं थी। उसके पास इतने पैसे हैं कि वह आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकती है। इससे पहले 2015 में द रॉन्ग हस्बैंड, द रॉन्ग ब्रदर, द रॉन्ग लवर नामक किताबें भी लिख चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मित्र रमजान कादिरोव ने खुलासा किया है कि यूक्रेन के बाद अब पोलैंड का नंबर है। उन्होंने पोलैंड को चेतावनी दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कहते नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन का मुद्दा खत्म हो चुका है और अब उनकी दिलचस्पी पोलैंड में है। कादिरोव ने पोलैंड को चेतावनी देते हुए कहा कि वह यूक्रेन से अपने हथियार वापस ले ले क्योंकि रूस उस पर हमला करने को तैयार है। वायरल वीडियो में रमजान कहते हैं कि यूक्रेन का टॉपिक अब खत्म हो चुका है, अब मेरी पोलैंड में दिलचस्पी है। उन्होंने पोलैंड को धमकी देते हुए कहा कि अगर आदेश दिया जाए तो बस 6 सेकंड में बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। पोलैंड के लिए यह बेहतर होगा कि वह अपने हथियार और भाड़े के सैनिकों को वापस ले ले और हमारे राजदूत के साथ जो किया उसके लिए आधिकारिक क्षमा मांगे। हम इसे अनदेखा नहीं करेंगे, इसे ध्यान में रखें। इस महीने की शुरुआत में विजय दिवस समारोह के दौरान पोलैंड में रूस के राजदूत पर युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों ने लाल रंग फेंक दिया था। कादिरोव ने इसके लिए पोलैंड से माफी मांगने को कहा है। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया कि यह वीडियो कब और कहां फिल्माया गया। बता दें कि पोलैंड उन देशों में शामिल है जिन्होंने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए हथियार दे रखे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध भड़कने के बाद पोलैंड ने यूक्रेन को वे लड़ाकू विमान भी उपलब्ध कराए हैं जो उसे अमेरिका ने दिए थे। कादिरोव के पहले रूसी संसद के सदस्य ओलेग मारोजोव ने भी सुझाव दिया था कि पोलैंड पर हमला करना चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क राज्य की दीवानी जांच में अपने व्यावसायिक व्यवहार के बारे में शपथ के तहत सवालों का जवाब देना ही होगा। राज्य की एक अपीली अदालत ने यह फैसला दिया है।
राज्य की निचली अदालत के अपीलीय खंड में चार न्यायाधीशों की पीठ ने मैनहट्टन के न्यायाधीश आर्थर एंगोरन के 17 फरवरी के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें ट्रंप और उनके दो सबसे बड़े बच्चों के लिए अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स की जांच में गवाही देने के लिए समन जारी किया गया था। ट्रंप ने आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए अपील की थी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि ट्रंप को गवाही देने का आदेश देना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि उनके जवाब समानांतर आपराधिक जांच में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चार न्यायाधीशों की पीठ ने आत्म अभियोग के खिलाफ पांचवें संशोधन का हवाला देते हुए लिखा कि एक आपराधिक जांच संबंधित तथ्यों के दीवानी अस्तित्व को रोकती नहीं है जिस पर एक पक्ष आत्म अभियोग के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ट्रंप पर इस फैसले के खिलाफ राज्य की सबसे बड़ी अदालत कोर्ट ऑफ अपील में याचिका दायर कर सकते हैं। एक डेमोक्रेट जेम्स ने कहा है कि उनकी जांच से सबूत सामने आए हैं कि ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने ऋण और टैक्स लाभ प्राप्त करने के लिए गोल्फ कोर्स और गगनचुंबी इमारतों जैसी संपत्तियों के फर्जी या भ्रामक मूल्यांकन का इस्तेमाल किया। अब दीवानी बयान में ट्रंप जो कुछ भी कहते हैं उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय की ओर से की जा रही आपराधिक जाँच में किया जा सकता है। सिंगापुर में लोग अब नाली के पानी से बनी बियर का लुत्फ उठा रहे हैं। दुनिया की सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक बियर को बनाने में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है या यूँ कहे कि बियर में 90% से ज़्यादा पानी ही होता है। इसे देखते हुए सिंगापुर की वाटर एजेंसी ने नाली की पानी से बनी न्यू ब्रू बियर लॉन्च की है। इस बियर की खास बात यह है कि यह सीवेज के पानी से बनाई जाती है। सिंगापुर की वाटर एजेंसी सीवेज के पानी को बर्बाद करने के बजाय उसे दोबारा इस्तेमाल कर रही है। इसके लिए वाटर एजेंसी सीवेज के पानी को फिल्टर किया जाता है और फिर उससे बियर बनाई जाती है। बताया जा रहा है कि ऐसा करने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य लोगों को जल की समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करना है। दरअसल सिंगापुर पिछले कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहा है। दावा है कि न्यू ब्रू बियर में सबसे ज़्यादा न्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। न्यूटर एक फिल्टर तरल पदार्थ है जो कि सीवेज के पानी से निकलता है। न्यूटर का इस्तेमाल सिंगापुर में पिछले 20 सालों से किया जा रहा है। सीवेज पानी से बियर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इसके इस्तेमाल से पहले न्यूटर का गहन परीक्षण किया जाता है। सिंगापुर में न्यूटर का इस्तेमाल खासतौर पर माइक्रोचिप्स निर्माण संयंत्रों में किया जाता है। दरअसल माइक्रोचिप बनाने के लिए हाई क्वालिटी के पानी की ज़रूरत होती है। सिंगापुर की वाटर एजेंसी के मुताबिक सीवेज पानी से देश की करीब 40% पानी की मांग को पूरा किया जा सकता है। एजेंसी का ये भी मानना है कि साल 2060 तक देश में 55% पानी की मांग सीवेज पानी के दोबारा इस्तेमाल से पूरी हो जाएगी। गौरतलब है कि सिंगापुर में पानी की काफ़ी किल्लत है और वहाँ पानी से ज़्यादा बियर सस्ती है। सिंगापुर में बियर की बिक्री इतनी आम है कि इसे किराना स्टोर से लेकर किसी भी जगह से खरीदा जा सकता है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क हाल ही में चीन की तारीफों के पुल बांध रहे थे लेकिन अब ड्रैगन ही उन्हें तबाह करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए चीन ऐसी क्षमता विकसित कर रहा है जिससे एलन मस्क के स्टारलिंग सैटेलाइट को तबाह किया जा सके। एक शोध में कहा गया है कि चीन की वैज्ञानिक स्टारलिंग सैटेलाइट को नाकाम करने के लिए टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं। बता दें कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारलिंग सैटेलाइट का एक नेटवर्क बनाया है। इसमें हजारों छोटी छोटी सैटेलाइट है जो धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद है। ये सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। स्टारलिंग सैटेलाइट के जरिए इस तरह के तूफान और किसी भी पहाड़ पर भी इंटरनेट मिल जाता है। चीन उनके सैटेलाइट को तबाह करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा अभी इसके बारे में पता नहीं चल सका है। हालांकि स्टडी में कहा गया है कि यह सस्ता और सटीक होना चाहिए। इससे यह मानकर चला जा सकता है कि चीन मिसाइल के जरिए इन सैटेलाइट को तबाह नहीं करेगा क्योंकि अंतरिक्ष में स्टारलिंक की 2500 से ज़्यादा सैटेलाइट है और एलन मस्क अगले कुछ सालों में इसे 10,000 तक ले जाना चाहते हैं। अगर चीन इतने बड़े स्तर पर मिसाइल दागेगा तो ये बहुत महंगा पड़ेगा और ये सैटेलाइट क्योंकि छोटी है तो इन्हें टारगेट करना भी मुश्किल रहेगा। चीन लेजर और माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट बर्बाद करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर सकता है। स्टारलिंक सैटेलाइट अमेरिकी सेना को बहुत तेजी से डेटा पहुंचाता है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।